वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम किस हिस्से में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम इरम की तरफ चलते हैं और वो उन्होंने शुरू कर दी तैयारी अब उसकी सिलाई की। जी इरम जी, ये हमने अब प्रेस बुकरम चिपका लिया है कपड़े के ऊपर, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर अबाया के ऊपर चिपकाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा हमें कपड़ा छोड़ना पड़ता है, तकरीबन 2 से 3 पॉइंट्स के करीब हम कपड़ा छोड़ेंगे जो हमारे सिलाई में होगा। टेबल की वजह से ये कपड़ा भी काफ़ी स्लिप हो रहा है। ये कपड़ा असल में सिल्की है और टेबल भी जो हमारी है वो बहुत सिल्की है। रेशमी कपड़े को काटने में वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम पहले इसको सिलाई करके चिपका लेंगे ताकि हमारा बुकरम जो है एक साइड से सिलाई हो जाएगा तो हिलेगा नहीं। यहाँ से हम कट लगाएंगे बिल्कुल बराबर ताकि ये हमारा फोल्ड हो सके। इस तरह सारा चारों तरफ से हमने इसके सिलाई लगा के पक्का कर लें। जब हम इसका भी नेक का मिडल बनाएंगे चाहे तो आप इसको इस तरह करके हाफ करके प्रेस कर लें या फिर उससे निशान लगा लें चौक से। ये हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह करके। बेहतर होता है कि आप इस्त्री करके उससे निशान लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, एक लाइन बन जाती है, क्रीज बन जाती है आपके लिए। तो ये हम इसको इस तरह निशान लगा लेंगे मिडल का, कि ये हमारा मिडल है। अब हम अबाया का फ्रंट पीस लेंगे जिस पर हमने नेक डिज़ाइन बनाना है। आपका जरा सा माइक नीचे की तरफ हो गया। मैं ये हम फ्रंट पीस लेंगे और जब नेक अटैच करेंगे तो हम फ्रंट साइड लेंगे, अपनी अबाया का जो पीस होगा उसका फ्रंट का सीधा हिस्सा लेंगे। वहाँ से अटैच होगा, बैक से नहीं होगा, इसके फ्रंट से होगा। इसमें आपको पिन की ज़रूरत है या फिर पिन्स की ज़रूरत तो है मुझे, लेकिन लाइन दे दें मुझे ताकि कपड़ा आपके हाथ सीने से थोड़ा सा रेशमी कपड़ा होता है तो उसको सीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पिन्स लगा लें तो अच्छा हो जाता है। लगा लें या इस्त्री कर लें साथ साथ, इस्त्री से तो बहुत अच्छा हो जाता है कि एक लाइन आपके पास आ जाती है कि इस लाइन पर आपने सीना। ये हमारी एक लाइन लगी हुई है इसके ऊपर पीछे की तरफ कपड़े के ऊपर, तो हमें नेक लाइन और इस लाइन को आपस में मिलाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर भी, क्योंकि हमारी नेक का जो मिडल है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। अगर साइड पर हो जाएगा तो हमारी नेक टेढ़ी बन जाएगी। आपको याद होगा नाज़रीन की पिछली बार भी जो नेक इस तरह से लगाया था तो बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो नेक आया था जब मुकम्मल हुआ था। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे चारों तरफ।
और बिल्कुल लेफ्ट ऊपर नहीं लेके जाना बुकरम के, बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। मैंने जहाँ पे कपड़ा था जी कपड़े के ऊपर लगानी है, बुकरम के ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी है। इसी तरह मिडिल में भी अपने कपड़े पिक किए जी, कपड़े पिक किए बुकरम पे नहीं आनी चाहिए। सीधा रखेंगे ताकि झोल ना हो। ये अब हम नाज़रीन कटिंग करेंगे इसकी नेक की। यहाँ से भी हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, कपड़ा छोड़ना है। और इसी तरह यहाँ पे कट्स लगा लेने सिलाई से पहले ताकि झोल ना आए जी। तकरीबन आप एक एक इंच पे जो है कट डालती जा रही हैं जी। ये आपका अपने ऊपर है, नज़दीक डालें थोड़ा फासला कर लें इससे। हाँ बस आपकी सिलाई को कटिंग नहीं करना है, सिर्फ कपड़े को काटना है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके बिल्कुल मिडल में हमने कटिंग करनी है। अब हम इसको टर्न करेंगे। जी इस तरह की ज़रूरत होगी मुझे जी, आप ले लीजिए इस तरह। कपड़े को मसीने संभालना मुश्किल हो रहा है, और दूसरी बात ये कि नीचे जो टेबल है वो भी ज़रा स्लिपरी है, तो कपड़ा जो है वो मुश्किल से बैठ रहा है। ये हो जाएगा। अब हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। पहले बटन पट्टी के लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा। ये हमारे पास है एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा था, 3 इंच का हमारा हमने साइज लिया था जो, तो हम इसकी डबल कर लेंगे 6 इंच, और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा जाएगा, तो हम 7 इंच के करीब कटिंग करेंगे पट्टी के लिए। पट्टी के लिए और तकरीबन 2 इंच 1.5 इंच की हम ये पट्टी डबल करके कटिंग कर लेंगे। अब ये नाज़रीन हम इस पट्टी को ऐसे डबल करेंगे और प्रेस कर लेंगे। और ये इस तरह डबल हो जाएगी हमारे बटन लगाने के लिए। जी बटन लगाने के लिए इसकी कटिंग भी होगी? नहीं इसकी कटिंग नहीं होगी। अब मैं आपको गले के पास लगा के दिखाऊंगी।
ये हम बाद में पिन से ऊपर कर लेंगे इसे। इस पट्टी को हम, ये जो हमारा कॉर्नर है नेक का, इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरह, और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। पहले पिंस लगाएंगे हम, इस तरह पिंस लगा लेंगे। और अब हम इसके गले के ऊपर एक इंच की, वन पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। किनारे पे लाके निरल को अंदर करेंगे, यहाँ से मोड़ लेंगे। ये पट्टी लगाना भी एक बहुत, मतलब इसमें भी देखना पड़ता है टेक्निक के सही से खूबसूरती से आए, नहीं तो फिर झोल पड़ जाए तो फिर सारी जो है गले की शेप खराब हो जाए, शेप खराब हो जाती है। यहाँ पे अभी हम एक सिलाई लगा के दिखाएंगे नाज़रीन को, क्योंकि हमारे पास टाइम का वही मसला है जी। तो नेक के लिए जी, नेक के लिए। और जो दूसरी सिलाई लगाते हैं वो तकरीबन एक इंच के फासले से लगाएंगे या आधे इंच के? आधे इंच के फासले से। अब हम ये इसको नीचे वाले कपड़े को हटा लेंगे यहाँ से, ताकि हम हमारे जो है सिलाई से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। निहायत ही उम्दा और नफीस तरीके से देखें नेक बनाई गई है, ये देखें कितनी सफाई आई है, ये पट्टी लग जाएगी। अब हम यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बाकी अब आया जोड़ के सिखा देंगे, ताकि टाइम की जो है हमेशा जो है वो कमी रहती है। अब हम इसके बैक जॉइंट करेंगे फ्रंट के साथ, नहीं अभी पिन की जरूरत नहीं है। अब आप ये क्या जोड़ रहे हैं? ये बैक पीस और फ्रंट पीस को आपस में हम ज्वाइन कर रहे हैं दोनों को, तो इसको जहां से हमारा आर्म होल बंद होगा वहां पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इरम आप ये शोल्डर्स नहीं पहले जोड़ेंगे? नहीं, शोल्डर में बाद में जोड़ेंगे। कमीज में तो हम यहाँ जब हिप के साइज पर आते हैं तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन अब हमने क्योंकि अबाया बनाया तो ये पूरे हम नीचे तक जाएगी हमारी सिलाई। चाकू की जो सिलाई है वो जी वो बच जाती है।
ٹائم بچ جاتا ہے. ابھی اس سے زیادہ یہ زیادہ آسان ہے. اس میں چاک نہیں بنانے پڑتے آپ. ادھر سے بھی اسی طرح کریں گے. اچھا جب ہم قمیض سیتے ہیں تو اس میں تو ہم پہلے شولڈر کو ہی پہلے, یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے شولڈر جوڑ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح ہی سینا ہے, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آسانی کرنے کے لیے. آپ پہلے سلکی کپڑا ہے تو چاہ رہی ہیں کہ جلدی سمٹ جائے دونوں طرف سے. سی اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ شولڈر بعد میں کریں, میرے ہی اسٹائل پہ آپ پہلے بھی شولڈر سی سکتے ہیں کیونکہ مجھے اس طرح ایزی لگتا ہے. تو میں اب ہم نے جو بیک نیک بنانی ہے اس پہ پٹی لگائیں گے. آپ نے کہا تھا کہ اس کو رپ کی طرح سے کاٹ. ہاں جی, کپڑا چاہیے ہوگا میں ایکسٹرا. یہ سلیوس کا بھی مجھے دے دیں اب آپ. نہیں, یہ ایکسٹرا کپڑا ہے. یہ ایکسٹرا کپڑا سلیوس. تقریباً ہمیں یہ 9 انچ کے قریب کپڑا چاہیے ہوگا بیک کے لیے. تو ہم یہاں نشان لگائیں گے لمبائی میں اور تقریباً 2 انچ کے قریب چوڑائی چاہیے اس کی, پٹی چاہیے ہوگی. یہ آپ کے اپنے اوپر بھی ہے کہ آپ کتنی فولڈ کرنا چاہتی ہیں, کم رکھنا چاہتی ہیں زیادہ. نہیں نہیں, آڑی پٹی اس میں نہیں لگے گی, اس میں بالکل سیدھی پٹی لگے گی. پیچھے سے کٹنگ نہیں کی ہے اس وجہ سے. کرنا تو چاہیے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت کچھ شارٹ کر دیتے ہیں. یہاں ہم اس کے میڈل کا نشان لگائیں گے چاک سے. یہ ہمارا میڈل ہے. اسی طرح پٹی کے بھی ہم میڈل میں نشان لگائیں گے. یہ ہماری پٹی کا میڈل ہوگا تاکہ اس کو جوائن کر کے. جی, اب جس طرح ہم نے گلے کا فرنٹ پہ لگایا تھا اسی طرح ہم اس کو بھی یوں نشان لگائیں گے. دونوں کو فرنٹ سائڈ پہ رکھیں گے پٹی کو موڑ کے تاکہ یہ ہماری بیک پر آئے. اور یہ اس طرح ہیرم, یہ ابائے کی کیوں بالکل سیدھی سی پٹی ہوتی ہے, اس میں کیوں نہیں گلا کٹتا ہے پیچھے؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پھر پیچھے سے اگر ہم اسکارف وغیرہ کچھ اس طرح لیتے ہیں تو وہ ہماری پھر قمیض یا نیک نظر آتی ہے, اس وجہ سے سیدھی برقعے کی طرح سے کور ہو جاتا ہے. کیونکہ ابایا کا مقصد ہی کور کرنا ہے تو اس لیے ہم یہ سیدھی پٹی لگاتے ہیں اس میں.
अब इस पट्टी को हम यूँ फोल्ड करके यूँ सी देंगे, सीधा सही बिल्कुल जी, ऐसे इस तरह करके टर्न कर देंगे। अब हम इसमें शोल्डर अपने जोड़ ज्वाइन करेंगे। ये भी नया तरीका सीख लिया आज हमने, पिछली बार नाज़रीन को आपने जो बताया था वो शोल्डर से पहले सिलाई करके फिर ज्वाइन किए थे, लेकिन आज ये भी तरीका जो है सीख लिया। हम ज्वाइन करेंगे, फिर हम बेचारी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जिस टाइम में इसलिए कि एक सिलाई करें, बस चंद लम्हे और हैं नाज़रीन हमारे और आपके साथ में, वो आस्तीनों को जोड़ेंगे और साथ में बस मैं एक बाजू लगा के दिखा दूंगी। और नीचे की जो गुलाई की तरफ से जो उसकी मोड़ना होगा वो आप थोड़ा सा टिप्स दे दें कि क्या करना होगा नाज़रीन को। वो बिल्कुल सिंपल है, आप उसको रख के मोड़ेंगी तो वो खुद ब खुद मुड़ता चला जाएगा। इस तरह आप मोड़ेंगी गुलाई में, मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे जल्दी से। क्योंकि आपने कटिंग इस स्टाइल में की है कि वो उसी तरह से जो है मुड़ता चला जाएगा। जी ये देखिए, हमने ये रखा इसको यहाँ से यूं करके बिल्कुल कमीज की तरह जैसे हम मोड़ते हैं ये इसी तरह मुड़ता चला जाएगा। ये देखें, अच्छा बीच में कटिंग नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपकी सिलाई पे ये देखें खुद ब खुद आता जाएगा। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा झोल आ रहा है तो आप हल्का सा यूं, ये जिस तरह झोल आ रहा है अगर आप इसको यूं पीछे से कपड़े को यूं खींचेंगी तो ये आपका झोल खत्म हो जाएगा। ठीक है तो वक्त की कमी की वजह से नाज़रीन बस एक आस्तीन आपको बता देंगे लगा के और इस तरह जो है अब आइए पूरा तैयार हो जाएगा। जब टाइम कम होता है तो धागा भी टूट जाता है जी, तो लेकर आप आराम से कर लीजिए। वैसे तो हम नाज़रीन को दिखा चुके हैं आप बाजू किस तरह लगाई जाती है, आस्तीन नाज़रीन को परेशानी नहीं होगी के लेकिन अच्छा पहले ये आस्तीन की तरफ से फोल्ड करेंगे। जी पहले हम फोल्ड करेंगे इसको और फिर पूरी बाजू की सिलाई होगी और फिर एक एक सिलाई लगा रहे हैं इस पे। अब हम इसको यहाँ से नाप लेते हैं जल्दी से कि इसके होल के साथ। जी होल के साथ ये हमारी सिलाई का है, इसको यूं रखेंगे और यूं करते जाएंगे तो ये हमारा निशान यहाँ आके बैठेगा। देखें वही आ रहा है जो हमने निशान लगाया था। बिल्कुल आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सही थी।
آخری پارٹ یہ ہے ناظرین کہ وہ آستین کو جوڑیں گی اور اس کے ساتھ یہ جو آبا آج انہوں نے کاٹا تھا اور بتایا تھا آپ کو وہ مکمل ہو جائے گا. جی اس کا وہی طریقہ ہے, اس کو الٹی قمیض میں سیدھی آستین ڈالنی ہے, الٹی قمیض کر کے سیدھی آستین, اور اسی طرح آپ نے یہاں سے چیک بھی کر لینا ایک دفعہ کہ ہمارا برابر جھول تو نہیں آ رہا بازو میں یا کپڑے میں, اور یہاں کی سلائیوں کو دونوں کو آپس میں ملا کے پھر سینا ہے. پہلے سے میجر کر کے سارے نشانات لگا لیے جائیں تو پھر یہ ہے کہ وہ بعد میں جھول وغیرہ آنا اور کپڑا جو ہے اوپر نیچے جو ہو جاتا ہے بازار, تو اس کی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہتی. کمپلیٹ ہونے والی ہے بازو, یہ دیکھیں بالکل بھی جھول نہیں آ رہا یہاں پہ, اور جیسے آپ نے کہا ہے جی یہاں پہ آ کے ان کپڑوں کو آپ ایسے تکون شیپ میں موڑ دیں, اس کو ٹرائی اینگل شیپ میں اس طرح. یہ ناظرین ہماری ابایا آج کمپلیٹ ہو گئی. کھا دیجیے جی ناظرین, محدود ٹائم میں آپ کو ارم نے بہت اچھی طرح سے پورے اس کی باریکیوں کے ساتھ میں بتایا کہ ابا کی جو ہے کٹنگ کیسے کرنی ہے, کیسے سلائی کرنی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو مکمل کر دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بٹن لگ جائے گا جی, تو یہ ایزی یہاں سے بٹن, اور پھر یہ دیکھیں گلا بھی پورا برابر سے آئے. جی جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے. ارم آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب سے التماس ہے کہ ارم کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے صحت یابی کے لیے آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اور ان کو ہمیشہ جو ہے ارم کے اور تمام بہن بھائیوں کے سروں پہ جو ہے قائم و دائم رکھے. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اپنے پروگرام کو اب ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی خبروں کے ساتھ میں, نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں, نئی چیزوں کے ساتھ میں, اور تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.